30 लाख हो जाएंगे। बस 30 लाख? ये तो बहुत ही कम है। लेकिन आप इतना बताइए ना कि आपकी बहू के दहेज के सामान को क्यों बेचना चाहते हो आप लोग? ये मेरी बहू के दहेज का सामान है, इसे मैं फेंकूं तोड़ूं बेचूं, तुम्हें क्या इससे? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 लाख ही दे सकता हूँ, क्योंकि दहेज का सामान उतना महंगा नहीं है आपका। नहीं नहीं, 30 तो बहुत कम है, कम से कम 50 लाख तो बनता है। अरे 20 लाख की तो सिर्फ गाड़ी गाड़ी है। देखिए, गाड़ी वाड़ी है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी 30 लाख से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा सामान तो सेकेंड हैंड हो चुका है। और वैसे आपकी बहू से मैं अकेले में कुछ बात करना चाहूँगा। अकेले में? आप हमारी बहू से क्या अकेले में बात करेंगे? अरे वैसा नहीं, आप गलत मत सोचिए, मतलब उसकी भी रजामंदी है या नहीं, वो सामान बेचना भी चाहती है। आपको पता है आजकल फ्रॉड कितना हो रहा है, कल को कोई आके मुझे पूछे कि ये सामान कहाँ से आया क्या नहीं, क्योंकि सेकंड हैंड सामान है, इसका कौन सा आप मुझे बिल देने वाले हो? बस गाड़ी है वही नाम करवाओगे मेरे, बाकी जो सामान है उसका बिल है आपके पास? बाकी का बिल तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ गाड़ी आपके नाम से करवा दूंगी मैं, उसका कागज है मेरे पास। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिल नहीं है, बाद में मुझे दिक्कत होगी, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं तो फिर एक काम कीजिए, आप गाड़ी भेज दीजिए, बाकी सामान रहने दीजिए। तो वही अगर पूरा पैसा चाहिए तो एक बार बात करने दो मुझे आपके बहुत। अकेले में? जी हाँ, अकेले में बात करनी। चलो प्रिंद, रामू चलो। मैडम आप मतलब रजामंद हो ना सबकी, मतलब आपका दहेज का सामान सब बिक रहा है तो? और ये क्या लिख रखा था आपने हेल्प, मतलब कुछ दिक्कत है क्या? सर ऐसे कैसे बता दूँ, घर वाले यहीं पर है, उनके सामने नहीं बता सकती, कुछ ज़्यादा बुरी बात है। क्या बात है, बोलिए तो सही कम से कम। अगर मैं चला गया ना फिर कोई नहीं सुनने वाला आपके यहाँ, और आप तो ज़्यादा परेशान लग रही हो देख के। ये लोग तो मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं ये सब ताकि इन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाए, और कोई बात नहीं है। और एक बात बताऊँ सर, इन्होंने ना मेरे घर वालों से दहेज मांगा था, मेरे पापा गरीब घर से, वो कहाँ से लाते इतना दहेज जितना इन्होंने मांग रखा था। उन्होंने कहा मुझे कुछ टाइम की मोहलत दे दो, मैं धीरे धीरे करके सब दे दूँगा, पर ये लोग नहीं माने। फिर क्या था, पापा प्रेशर में आ गए, पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था करें क्या। फिर मेरी सास उन्हें ज़्यादा सताने लगी कि उन्हें दहेज चाहिए और 1 करोड़ का चाहिए, हम सब परेशान थे। फिर मेरे पति यानी कि पुनीत वो आए, उन्होंने पूरी बात समझी और मेरी मदद की, दहेज का सारा पैसा उन्होंने दिया, अपने पैसों से सारा दहेज दिलवाया और अपने घर में भिजवा दिया। मेरी सास और घर वालों को यही लगता है कि दहेज मेरे घर वालों ने दिया, इसलिए वो बस इस दहेज को बेचकर पैसे लाना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये दहेज मेरे पति ने दिया। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, ये आपके पति ने सारा दहेज का पैसा दिया तो आपकी सास उसको बेचना चाहती है, वो क्यों? पता नहीं सर, शायद पैसों के लिए, उनको पैसे चाहिए काफ़ी सारे। तो फिर जाने दो ना, बेचने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से पैसे आपके पापा वगैरह ने दिए हैं, आपके पति ने तो पैसे दिए हैं सारे, इसलिए बेचने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? सर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है ना, वो सारे पैसे अपने पास रखेंगी, हमें नहीं देंगी, और मुझ पर और मेरे पति पर बहुत टॉर्चर करती है, हम बहुत परेशान हैं, हम नहीं रहना चाहते अपनी सास के साथ। चलिए ठीक है, मैं कुछ करता हूँ फिर, क्या मना कर दूँ सामान लेने से? हाँ सर, अगर हो सके तो मना कर दीजिए ना। देखिए मैं तो मना कर दूंगा, लेकिन यार बाकी लोग भी तो है मार्केट में, किसी और को जाके बेचेंगे वो खरीद लेंगे, और मेरे हिसाब से मेरे से तो ज़्यादा ही रेट दे देंगे मार्केट में और भी लोग, क्योंकि आपका सारा दहेज का सामान इतना पुराना नहीं है, नया ही है सारा, और गाड़ी भी 20-25 लाख की बता रही है आंटी जी। लेकिन सर आप मना कर दीजिए, तब तक मैं समझा के देखती हूँ थोड़ा बहुत, क्या पता मान जाए। क्या हुआ, अभी तक बातें ख़त्म नहीं हुई हैं? हाँ माँ, वो पूछ रहे थे कौन सा सामान है, क्या क्या है और कब कब आया था। चलो ठीक है, अब 50 लाख में अगर आपको सारा सामान लेना है तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। देखिए 50 लाख देना मुश्किल हो जाएगा, 30 लाख तक अगर आप मान जाओ तो। देखिए आपकी बहू ने हमें मतलब ये कि वो बता रही थी कि अब नया सामान है तो 30 लाख तक दे सकते हैं, ये 15 लाख के आसपास है, ये आप रखिए, बाकी पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद बताइए अभी क्या डील करनी है या नहीं।
और वैसे एक बात बोलो तो दहेज का भी नया सामान है, आप रख लो घर में काम ही आएगा, और गाड़ी भी है आपके वो काम आएगी है ना, इसीलिए कह रहा था मैं तो। माँ अभी नया नया सामान है, भैया ठीक तो बोल रहे हैं, अभी उसे यूज कर लेते हैं, जब वो पुराना हो जाएगा फिर बेच देंगे। तो चुप कर, देखिए हम 30 लाख में तो नहीं दे पाएंगे आपको सामान, कम से कम 50 तो चाहिए हमें, आप नहीं लेंगे तो कोई और सही, सामान के पैसे तो दे ही देंगे, सारा सामान हमारा नया है, आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं मैं बेच दूंगी। माँ लेकिन आप समझिए ना, मेरे पापा ने कितनी मेहनत से सारे पैसे जोड़ के दहेज का सामान दिया है। चुप कर, दूसरों के सामने बेइज्जती करवाती है, वो क्या सोचेंगे कि मैं जबरदस्ती सामान बेच रही हूँ, देख के तो बोला कर। नहीं नहीं 50 से कम में मैं सामान को नहीं बेचूंगी, आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं दूसरे को ही ले जाएंगे। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, 30 लाख से ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊँगा, और आप पूरे मार्केट में भी ढूंढ लेंगे ना तो भी आपको 20-25 लाख से ऊपर कोई नहीं देने वाला, वो तो मैं हूँ 30 लाख में दे भी रहा हूँ, सेकेंड हैंड सामान है, जिस दिन आप मार्केट से लेते हैं ना सामान नया, उसे दूसरे दिन भी जाके बेचोगे ना वो सेकेंड हैंड ही हो जाता है, इतना शायद आपको ही पता होगा, इसीलिए वो तो गाड़ी का रेट थोड़ा अच्छा है, इस चक्कर में 30 लाख भी दे रहा हूँ, नहीं तो उतना भी नहीं दे पाता मैं। आप देख लीजिए डील करनी है या नहीं, बाद में आपकी मर्जी है, क्योंकि आप ऐसे बाहर जाओगे तो बिल मांगते हैं सारे, मैं तो बिना बिल का ले रहा हूँ, इसलिए आप देख लीजिए बात बात करके, नहीं तो फिर मैं निकलता हूँ। और क्या ये बात तो ठीक कह रहा है, हमारे सामान का बिल भी नहीं है, कहीं लोग चोरी का सामान ना समझे, निकाल देना ही बेहतर होगा। क्यों पुनीत क्या कहते हो तुम? देख लीजिए मैं आपको जो ठीक लगे, मैं तो इस डिसीजन के पहले खिलाफ हूँ। तो चुप कर, तू कुछ नहीं समझता, मैं तो इसे बेचूंगी, देखिए मैं 10 मिनट में बताती हूँ आपको। चलिए ठीक है कर लीजिए बात। अंकिता पुनीत मेरे साथ आओ। एक्सक्यूज मी, आप एक बात बताइए आप कौन हो वैसे? मैं पुनीत का छोटा भाई। पुनीत के छोटे भाई, मतलब आपकी भाभी थी जिनके दहेज का सामान बेचने की बात हो रही है? जी वो मेरी छोटी भाभी है। क्यों शादी नहीं हुई? शादी तो मेरी भाभी से होने वाली थी, वो तो भैया से ज़बरदस्ती शादी करवा दी इन लोगों ने। मतलब तुमसे होने वाली थी? मतलब मैं करता था भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार, और शादी मेरे से होने वाली थी, अब क्या करें पुनीत मेरे से बड़ा है ना, तो उसकी शादी करवा दी घर वालों ने, और जो ये 70 लाख रुपए उसको दहेज में मिले ना वो मुझे मिलते। वो क्या हो गया 70 लाख घर पे तो आए हैं, कौन सा किसी और ने लिए, एक ही तो घर है आपका। अरे भाई तो क्या हो गया, भाड़ में गया ऐसा भाई, अब शादी होने के बाद मैं भी तो उससे अलग हो जाऊंगा, अब वो भी अलग और मैं भी तो अलग ही रहूंगा ना। अजीब परिवार है यार, इसको पैसे की पड़ी है और सास दहेज का सामान बेचना चाहती है, और उस बेटे को देखो बेचारे को, वो तो दहेज के पैसे भी खुद दे के आया है, सबको ऐसा पति मिलना चाहिए यार। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये दहेज का सामान ले लूँ इनसे, मतलब करना क्या है? 70 लाख का सामान है, 30-40 लाख रुपए दे दे इनको और अपना सामान लेके जाए यहाँ से। अरे भैया इनका सामान मत लेना, इनकी सास बहुत खतरनाक है। नौकर नौकर है ना तो नौकर की तरह रहा कर, तो अपना मुंह बंद करके रहा कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तेरे को हमारे बीच में। अरे वो सॉरी थोड़ा ना गुस्से में आ गया था, ये नौकरों को ज्यादा छूट के दे तो सर पे चढ़ने लग जाते हैं। आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा, और वो कह रहा था कि बहुत खतरनाक है, मतलब क्या? अरे वो कुछ नहीं बोल रहा था, पागल है ये, छोड़ो आप बैठो। अंकिता तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सामान बेचने में? नहीं माँ कैसी बातें कर रहे, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। पुनीत तू क्या कहता है, भेज तू ना। माँ अब मैं क्या ही बोलूँ, आप एक बार सोच लेते कि सामान बेचने की जरूरत क्या है, अब इसमें से काफ़ी सामान तो हमारे घर के यूज़ में ही आ जाएगा ना, और आप ये भी तो सोचो ना, अभी नई नई शादी हुई है हमारी, शादी को 2-3 महीने हुए हैं, अगर इनके घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि सामान आते ही हमने सारा सामान बेच दिया। तुम्हें इसके घर वाले की बड़ी चिंता है, मुझे तो लगता है ना कि तू अपने पैसे से लाया है सामान। अरे नहीं नहीं माँ आप ये कैसी बात कर रहे हो, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे इतना सामान लेने के लिए। तो ठीक है चुपचाप से अपना मुंह बंद रख, और जो मैं कर रही हूँ ना देखती जाओ। माँ एक बात बतानी आपको सच सच,
ये सारा सामान मेरे पापा के पैसे का नहीं है बल्कि पुनीत के पैसों का है। पुनीत ने सारा दहेज का सामान खरीदा था और घर पे आप लोगों को भिजवा दिया। क्या? हाँ, पापा क्या करते, पापा के पास पैसे ही नहीं थे। मैं इतने गरीब घर से हूँ, आपको पता तो है, फिर भी आप लोग ऐसे दहेज की मांग कर रहे थे। मैंने पुनीत को समझाया तो वो समझ गए और उन्होंने ये हल दिया कि उनके पैसों से दहेज भी आ जाएगा घर में, माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरे पापा को भी नहीं। बेशरम, अपने ही घर का पैसा खर्चा करके दहेज का बता के और घर में सामान ले आए, शर्म नहीं आई तुम दोनों को? ये पैसे चाहे तुम्हारे बाप के हों या पुनीत ने दिए हों, अब तो मैं सामान को बेच के रहूंगी, समझे? चलो बात करते हैं। जी हाँ, मैं सामान के 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वैसे एक बात बताइए आंटी जी, ये सब करके कितना पैसा कमा लेते? मतलब ये कि आपको क्या लगता है कि आपकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी? मैं कोई सामान खरीदने नहीं आया, आपका इंस्पेक्टर हूँ और आपकी सारी चालाकी ना समझ में आ गई है। कुछ दिन पहले पता चल गया था आपके बारे में, इसलिए आपको क्या लगता है घर में आपका जो नौकर है ये कौन है? हवलदार है ये, इसको नौकर बना के भेजा था आपके घर में आपकी सारी सच्चाई जानने के लिए, और धीरे धीरे इकट्ठे करके सारे प्रूफ भेजता रहा। और मैडम, आपको एक बात बताता हूँ, आपको जो लगता है ना कि आपके पति ने आपके दहेज के पैसे दिए, बिल्कुल गलत। ये 70 लाख रुपए आपके पापा ने दिए, इन्होंने नाटक किया तुम्हारे सामने कि हाँ मैंने दहेज के सारे पैसे दिए ताकि आपके सामने भले बन जाए और आपको लगे कि हाँ मेरे पति ने मेरे लिए इतना कुछ किया, और आपको इन पर शक भी ना हो। अपने पापा की हालत देखो एक बार, गाँव में जाकर अपनी पूरी जमीन बेच चुका है बाप और आज बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा, उसके हॉस्पिटल का खर्चा भी मैं उठा रहा हूँ, पंकज को जानती होगी ना, हमारे गांव का हमारा क्लासमेट था, उसने आके सारी बात बताई, क्योंकि उसके घर पे गिड़गिड़ा रहे थे तुम्हारे पापा जाकर कि कुछ पैसे चाहिए क्योंकि उधार मांगने वाले रोज आते होंगे। तुम्हारी शादी के लिए 70 लाख रुपए दिए, पूरी जमीन बेच दी, फिर भी इतना पैसा जमा नहीं हो पाया था, तो पता नहीं पूरे गाँव वाले से कर्जा लिया थोड़ा थोड़ा कर, पर आज तक चुका रहे। और फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि तुम्हारी सच्चाई जाननी पड़ेगी, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? फिर मैंने हवलदार को भेजा, तो अब यहाँ पे पता चलता है कि तुम तो इससे पहले 5-6 शादियां कर चुके हो और सबसे महंगा महंगा दहेज लेते हो, गाड़ियां लेते हो दहेज में, और उसे बेच देते हो और फिर लड़की को तलाक दे देते हो। बहुत बढ़िया बेटे, अब तुम्हारी सच्चाई ना सामने आ चुकी है, अब तुम बचोगे नहीं, अब जेल के सलाखों के पीछे जाओगे और जितना पैसा तुमने उड़ाया ना सब वसूल होगा। रंटी जी, आप एक औरत होके ऐसा काम करते हो? जब आप दहेज का सामान बेचने की बात कर रहे थे ना, मुझे तभी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मेरी भी एक माँ है, जब मेरी शादी हुई थी ना मेरे ससुराल वाले तो इतना सारा दहेज देने की बात कर रहे थे लेकिन हमने दहेज तक नहीं लिया था। मैं जानता हूँ कि एक औरत ऐसा कभी नहीं बोल सकती, किसी को फोर्स नहीं कर सकती सिर्फ पैसों के लिए, और आप तो अपनी बहू के सामने इतना अच्छा बन रही थी। ओह, आपका बेटा भी तो बहुत शातिर है ना, कितनी अच्छी इमेज रखी है अपनी बीबी के सामने कि हाँ मैंने पैसा लगाया है शादी में सारा, बाकी लड़कियों के साथ भी ये सब किया होगा ना जिनको तलाक देकर छोड़ दिया गांव में, एक तो उनके पैसे भी ले लिए ऊपर से लड़की को भी तलाक दे दिया। सही है, पर क्या लगा था कि सच्चाई छुप जाएगी? बिल्कुल नहीं, अब तुम पकड़े गए हो और बचने वाले नहीं। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो और बताओ वीडियो कैसे लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी या अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई, जो अपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट्स भर भर के कर दो यार। प्लीज़ पेज को फॉलो कर दो, फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ फॉलो बटन पर क्लिक करो, फॉलो कर दो पेज को, और हाँ यार अभी क्लिक करो, शेयर करो वीडियो को, सबसे पहले शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। लव यू ऑल।